यमुनानगर के आजाद नगर में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर एक कलियुगी बेटी ने मामूली कहासुनी के चलते अपनी मां और 24 साल के भाई को मौत के घाट उतार दिया और इस हत्याकांड में उसने अपने ममेरे भाई का भी साथ लिया और इसके बाद खुद ही इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी, जिसमें पुलिस को लूट और हत्या की सूचना दी गई। लेकिन मामले की जब पुलिस ने तफ्तीश की तो इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी बेटी काजल की अपनी मां और भाई के साथ कुछ दिनों से अनबन चल रही थी और जब काजल और उसकी मां घर पर अकेली थी तो काजल ने मौका देख ईयरफोन की लीड से अपनी मां का गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हालांकि उस समय काजल और उसकी मां घर पर अकेली थी, लेकिन तभी उसका ममेरा भाई भी वहां पर आ गया और इसके बाद जब काजल का भाई राहुल घर के अंदर दाखिल हुआ तो पहले काजल ने उसके सिर पर चोट मारी और बाद में उसके ममेरे भाई ने राहुल का कपड़े से गला घोंटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। करीब 4 बजे के आसपास मेरे चौकी इंचार्ज ऐसा ही निर्मल का फोन आया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है और 2 डबल मर्डर हुआ है। मैं तुरंत मौका पे गया जहाँ पर मुझे SI निर्मल व उसके साथी कर्मचारी और लड़की काजल 3-4 और पड़ोसी हाजिर मिले। जो मौका देखा और मौका देखने के बावजूद लड़की ने ये कहा कि हमारे घर में चोरी हो गई थी, मैं बाहर गई थी और पीछे से चोरी हो गई और हमारा मर्डर हो गया। जो हमने तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन करी वहाँ पर मौके पे जांच करी है सारी, सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई है, DSP साहब आए थे मौके पे और उच्च अधिकारीगण से पूरी दिशा देकर हमने अपने इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सीन ऑफ क्राइम टीम के मौका के मुलाजा के बाद पाया गया कि लड़की ने ही यह साजिश रची थी और अपने ममेरे भाई के साथ मिलकर पहले अपनी माता का मर्डर किया और उसके बाद अपने भाई का मर्डर किया, क्योंकि जब माता का मर्डर किया उस टाइम भाई बाहर था। जैसे भाई घर में आया तो उसके सिर पे चोट मारी और उसको नीचे गिरा लिया और इसके ममेरे भाई ने तो मुंह पे कपड़ा बांध कर उसका गला घोंट दिया और इसने पाँव पकड़े थे और ऐसे ही माता के साथ किया था, तो जिसमें इन दोनों ने मिलकर ये मर्डर किया। लड़की को हमने कल नियमानुसार अदालत से परमिशन लेकर अरेस्ट कर लिया और आज हम उसको पेश अदालत करेंगे, जिसका 3 दिन का रिमांड लिखा है वो 3 दिन का रिमांड मांगा है। और लड़के की हम तलाश, रात को भी हमने काफ़ी तलाश की है और लड़के को इसकी निशानदेही पे आके गिरफ्तार करेंगे और वारदात में प्रयोग किए गए असलाह वगैरह रॉड वगैरह जो भी हैं वो बरामद करेंगे, घर से कुछ सामान गायब है वो भी बरामद किया जाएगा। बहरहाल कलियुगी बेटी के अपनी ही माँ और भाई को हत्या करने के इस मामले में पुलिस आगे की बढ़ती कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।